Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to create a custom field for inventory item. It may so happen that sometimes we may need a piece of information which is not currently available within QuickBooks. So, we can always add a custom field for these items. Ho sakta hai ki humare paas, humare database mein, जो हमारे इन्वेंट्री आइटम्स हैं उनके लिए कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन हम रखना चाहें जो डिफ़ॉल्ट में क्विक बुक्स में नहीं देता लेकिन क्विक बुक्स हमें ये फैसिलिटी ज़रूर देता है कि हम एक कस्टम एडिशनल फील्ड क्रिएट कर लें उसमें वो डेटा रख लें और ये डेटा हम हर जगह इस्तेमाल भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पे रिपोर्ट्स में सर्च में फिल्टर में हर जगह हमारा यूज़र डिफाइंड कस्टमर फील्ड इस्तेमाल किया जा सकता है याद रहे कि कोई भी आइटम वेंडर या कस्टमर तमाम के पास हम अपनी पसंद के कस्टमाइज फील्ड ऐड कर सकते हैं ये यूज़र डिफाइंड फील्ड हमेशा एज़ पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट जो जो ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो कि बार दफ़ा तमाम की तमाम पूरी ना हो रही हो क्विक बुक्स में लेकिन वो हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम अपनी तरफ से एडिशनल फील्ड डालें और ये जो कमी है ये किसी ना किसी तरह पूरी कर लें आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास किसी इंफॉर्मेशन की कमी है तो हम उसको किस तरीके से आइटम लेवल पे कंप्लीट करें मिसाल हम ये लेंगे कि हमारे पास इन तमाम आइटम्स जो हम अपने पास रखते हैं इन्वेंट्री के उसमें हमें लोकेशन चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे ये जो आइटम्स हैं ये कौन से हाउस में कौन से गोदाम में कहाँ इस वक्त रखे हुए हैं ताकि हमें उन्हें वहाँ से लाने ले जाने में आसानी हो आइए चल के देखते हैं क्विक बुक्स में ये किस तरीके से किया जाता है आपको पता है कि हमारे आइटम्स जो हैं हमारे लिस्ट मेन्यू के अंडर हमें मिल जाएंगे जैसे आप आइटम लिस्ट देखेंगे तो जितने भी हमारे पास आइटम्स हमने क्रिएट किए हैं वो हमें नज़र आएंगे हम किसी भी अपने इन्वेंट्री आइटम को चूज़ करें राइट क्लिक करें और एडिट आइटम जैसे ही हम एडिट आइटम करेंगे तो हमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो इसकी हमने सेव की हुई है अपने पास वो डिस्प्ले करा देगा लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश ये है कि हम ये कस्टम फील्ड बनाएं जो कस्टम फील्ड भी हम बनाएंगे वो याद रहे तमाम आइटम्स के लिए होगी भले आप एक जगह इस्तेमाल करें या ना करें ये अवेलेबल होगी अच्छा इसके लिए याद रखें कि जो हमारी इन्वेंट्री आइटम है उसमें तो लोकेशन का कोई ना कोई मतलब होगा लेकिन हो सकता है सब टोटल डिस्काउंट या सर्विसेज आइटम में इसका मतलब ना हो लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम ये फील्ड ना बनाएं अगर वहाँ ब्लैंक पड़ी है, तो रहने दें हो सकता है कि उनकी रेलिवेंट कोई फील्ड हो जो हम सिर्फ सर्विसेज के लिए बनाना चाहें वो दूसरों के लिए गैर ज़रूरी होगी लेकिन मकसद सारा ये है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अभी तक हमने ये सारा काम अपने वेंडर्स और कस्टमर्स के लिए किया था ताकि हम ये चेक कर सकें और ये देख सकें और ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकें जो कि ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स में मौजूद नहीं थी वेंडर्स में भी हमने कस्टमर फील्ड डिफाइन की थी इसी तरह वेंडर्स में भी हमने कस्टमर फील्ड डिफाइन की थी और उसके बेस के ऊपर हमने फिल्टर भी किए थे और रिपोर्ट भी जनरेट की थी आज के इसमें हम ये देखते हैं कि आइटम लेवल पे हम ये कैसे करेंगे हमने कोई भी आइटम चूज़ कर लेना यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो कोई पर्टिकुलर आप देखें हमने कोई भी चूज़ करना है राइट right क्लिक करके एडिट करें और यहाँ आपके सामने कस्टम फील्ड का बटन आ जाएगा कस्टम फील्ड को आप क्लिक करें तो हमारे पास पहले से दो कस्टम फील्ड्स मौजूद हैं जिनका नाम है कलर और मटेरियल यहाँ हम एक नई कस्टम फील्ड अब डालने लगे हैं ये कस्टम फील्ड याद रखें कि ये हमारी लोकेशन है एंड दिस इज़ अदर दैन द टू फील्ड दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल टू अस जब हमने कोई नई फील्ड डालनी है तो हम कहते हैं उसे डिफाइंड फील्ड्स हमारे पास ये दो पहले से मौजूद हैं और अब हम यहाँ अपनी तीसरी फील्ड लोकेशन के नाम से डाल रहे हैं जब हम ये डाल चुके हैं तो हमें इसे टिक करना है अब हमारे पास तीन फील्ड्स मौजूद हैं जो कि हटके हैं उन नॉर्मल फील्ड से जो हमने पहले डाली भी थी ये है हमारी लोकेशन लोकेशन मैंने आपको जैसे पहले बताया था लोकेशन है कि हमारी ये जो गुड्स हैं जो मटेरियल है ये स्टोर्ड कहाँ है किस गोदाम में है किस वेयर हाउस में है अगर शॉप पे पड़ा है तो कौन सी शॉप पे पड़ा है इसके लिए हमने एक लोकेशन की फील्ड ऐड की है इसे ओके करें और आपको क्विक बुक्स बता रहा है कि आपने एक नई फील्ड ऐड की है जो कि आप अपनी ट्रांजेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं अब हमारे पास ये फील्ड आ गई है और अगर हम चाहें तो यहाँ इस आइटम के लिए एक नई लोकेशन डाल सकते हैं इन दिस केस हम इसकी लोकेशन वेयरहाउस वन कर रहे हैं इसके साथ ही हमने अपने वुडन डोर इसको भी हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और जो मौजूदा हमारी कस्टम फील्ड्स हैं उसमें हम इसका नाम या लोकेशन वेयर हाउस टू डाल रहे हैं इसी तरह एक और हम वेयर हाउस टू के नाम से जगह सेव कर रहे हैं अब जो हमने अपनी चीज़ें यहाँ सेट कर ली हैं इसमें हमने तीन जगहों को अपना वेयर हाउस के नाम से मुख्तलिफ़ उसकी लोकेशन हमने डिस्क्राइब कर ली है हम चाहें तो हमारी जितने भी इन्वेंट्री आइटम्स हैं उन तमाम को हम कोई ना कोई लोकेशन दे दें और क्योंकि हम इन्वेंटरी आइटम्स ही में ज़्यादातर डील करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए बल्कि बेहतर होना चाहिए कि आप इन तमाम इन्फॉर्मेशन को अपने पास ज़रूर नोट डाउन कर लें इस वक्त हमने ये सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने तीन जगह ये चीज़ डाल दी है यानी कि हमने डोर फ्रेम में डाल दिया है देख सकते हैं आप कि वहरा उज़वान आ रहा है और हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर जो हमारे वुडन डोर्स हैं उनके ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है अब याद रहे ये इन्फॉर्मेशन हम अपने पास मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में भी इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को जो कि यूज़र डिफाइंड कस्टमाइज फील्ड्स हैं वो किस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि हमने एक इन्वेंट्री आइटम के साथ भी अपनी यूज़र डिफ़ाइंड फील्ड ऐड कर दी है जिस तरह से हमने कस्टमर या वेंडर के साथ उसको मज़ीद एबरेट करने के लिए मज़ीद समझने के लिए और मज़ीद इंफॉर्मेशन रखने के लिए हमने कस्टमाइज फील्ड ऐड की थी इसी तरह हमने आइटम को ये बताने के लिए कि हमने इसे कहाँ कहाँ स्टोर करके रखा हुआ है हमने एक लोकेशन की फ़ील्ड डाल दी है और ये जो फील्ड यूज़र डिफाइंड आप डालते हैं उसका फ़ायदा सबसे बड़ा यह है कि आप इसमें तमाम वो चीज़ें रिपोर्टिंग फिल्टरिंग सर्च कर सकते हैं जो कि आप क्विक बुक्स की अपनी डिफॉल्ट फील्डों के साथ कर सकते हैं तो बेसिकली क्विक बुक्स हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास मेमोरेंडम रिकॉर्ड के तौर पे भी है और एक्चुअल रिकॉर्ड के तौर पे भी है जो कि हम मेंटेन करना चाह रहे हैं वो हम सिस्टम में डालें और सिस्टम में अगर वो प्रोविज़न नहीं थी तो हम एक इजाफ़ी फील्ड क्रिएट करके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं तो हमारे पास तमाम डेटा तमाम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके बिज़नेस को हेल्प करेगी चलने में सर्च करने में रिपोर्टें प्रिंट करने में दैट कैन बी एडेड टू डिफरेंट वेंडर्स कस्टमर्स एंड इन्वेंट्री आइटम्स विद इन क्विक बुक्स थैंक यू सो मच